अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू होते उनकी माँ के मर जाने के बाद क्या उन्होंने आ, बाल दिए आप कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे युवाओं की बात कब करोगे रोजगार की बात कब करोगे महंगाई की बात कब करोगे है महिलाएं उत्पीड़नों के मामला की। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है उसको रोकने के लिए कब बात करोगे और आप हिंदू की बात कर रहे हो आपको मुद्दे से भटकाना था इस देश में हमारा किसान जो हमें अनाज देता है हमें अन्न देता है आज उसकी ये स्थिति है की अपने हक को मांगने के लिए वो बार बार आंदोलन करे आत्मनिर्भर बनाएगा आत्मनिर्भर नहीं आत्मा हत्या कर रहा है आज देश में युवा कर रहा है महिला कर रही है आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं अपनी नाकामी छिपा तो रहे हैं। आपकी बार चार सौ पार अगर वो कह रहे हैं तो समझिए ईवीएम के दम पे कह रहे हैं अगर ईवीएम हटी तो बीजेपी घटी सर बिहार में जो इंडिया एयरलाइंस की बहुत बड़ी बैठक हुई है उससे इंडिया एयरलाइंस में एक झूठ दिखाई दिया है लेकिन वहीं पर लालू यादव ने एक मोदी जी को लेकर के एक बहुत बड़ी बयान दे दिया है जो मोदी जी अपने आप को हिंदू नहीं है इस पर सर आपका क्या राय है आपके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने आप मुझको बताइए कि इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू होते तो आप कोई भी धर्म लगा लो आप माँ बाप के एक्सपायर होने के बाद डेथ कर जाने के बाद जो घर का पहला बच्चा होता है या छोटा बड़ा जो बच्चा होता है वो हमेशा अपने बाल देता है आप समझिए मेरी बात क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनकी माँ एक्सपायर होने के बाद उनकी माँ के मर जाने के बाद क्या उन्होंने आ, बाल दिए बताइए आप उसके अलावा माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए उस वक्त उन्होंने क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली उन्होंने कि मेरी माँ बर्तन माँजती थी याद है आपको सोचिए आप जिसके चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं उसकी माँ कभी बर्तन माज सकती है अगर माँज रही तो वो बच्चों का दुख की बात है कि उसके बच्चे उस लायक नहीं है लेकिन हिंदुओं की तो बात कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री लगातार जब से आए हैं 2014 से कह रहा है कि हिंदू मजबूत होते जा रहा है एकजुट होते जा रहा है मैं कहना चाहता हूं सुनिए मेरी बात ये देश के अंदर हो क्या रहा है? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे युवाओं की बात कब करोगे रोजगार की बात कब करोगे महंगाई की बात कब करोगे हैं महिलाएं उत्पीड़नों के मामला की। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए कब बात करोगे और आप हिंदू की बात कर रहे हो आपको मुद्दे से भटकाना था इस देश में अरे देश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है पचास हजार होती है पचास लाख से ज़्यादा उसमें फॉर्म आ जाते हैं बताइए क्या हालत तो हो रहा है इस देश का पहले पुलिस की नौकरी नि निकला करती थी पहले सेना की भर्ती निकला करती थी कहाँ है आज के समय हाल ही में तो रेलवे में पाँच हजार पद की जो क्या सर कागजों में चल रहा है रेल की हालत देख रहे हो आप वंदे भारत में कितना क्रेडिट लिया इन्होंने आज वंदे भारत बंद पड़ी है टिकट नहीं ले रहा कोई भाई आप मुझको बताइए रेल में भी क्या किया इन्होंने साठ साल के पहले महिला बुजुर्ग की जो टिकट होती थी उस पर छूट दी जाती थी आज कहाँ छूट मिल रही है बताइए तीन साल का बच्चा भी अब चार साल का बच्चा भी अब रेल में टिकट लेगा पता है आपको मैं कहना चाहता हूं कौन सी चीज ऐसी उठा लो आप कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन दस सालों के अंदर दे देश अगर बदहाल की जिंदगी में नहीं जी रहा तो मुझे बताओ आप भाजपा तो कह रही आपकी बार चार सौ पार फिर मोदी सर मैं कहना चाहता हूँ भाजपा की हालत बहुत टाइट हो रही है अगर वो कह रहे हैं तो समझिए ईवीएम के दम पे कह रहे हैं अगर ईवीएम हटी तो बीजेपी घटी मैं आज बता दूं आपको आप ईवीएम पे भी कुछ कर लो देश की जनता को समझ में आ रहा है कि एक ऐसा भैरुपी आया है जिसने तरह तरह के सपने जनता को दिखाए युवाओं को दिखाए महिलाओं को दिखाए यहाँ तक कि किसान और मजदूरों को भी दिखाए मगर आज हाल क्या है आप बताइए क्या हाल है कौन सा तबका नरेंद्र मोदी जी के राज में खुश है बताइए अडानी और अंबानी और इनके पूंजीपति मित्र के अलावा कौन है बताइए आप वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास तो सबका साथ यही तो कहना चाह रहा हूं मैं आपको ये जो सबका साथ सबका विकास इन्हीं के पार्टी का है हो रहा है किसी गरीब का किसी मजदूर का किसी किसान का किसी दलित भाई का किसी महिला का किसका हो रहा है तो किसानों को तो छह हजार सालाना दे रहा है ना तो फिर, तो फिर, तो फिर क्यों क्यों सड़कों पर किसान है मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और आपके द्वारा मैं देश की जनता को भी बहुत पूछना चाहता हूं क्या हमारा किसान जो हमें अनाज देता है हमें अन्न देता है आज उसकी यह स्थिति है कि अपने हक को मांगने के लिए वो बार बार आंदोलन करे बताइए तीन लगभग लग दो साल से ज्यादा हो गए एमएसपी कमेटी जो बनी थी क्या हुआ उस कमेटी का अरे आप बताइए कितना इंतजार करेगी किसान बताइए आप लेकिन कह तो रहे हरियाणा पंजाब के किसान हैं पूरे देश के किसान मैं पूछना चाहता हूँ सुनिए ऐसा नहीं है हरियाणा और पंजाब नज़दीक है और भी दूर से सारा किसान आ चुका है मगर आज का जो मीडिया है वो दिखाने को तैयार नहीं है अपने आप को नंबर वन चैनल बोलते हैं पंद्रह सोलह चैनल लगभग हैं वो अपने आप को नंबर वन चैनल बोलते हैं मगर आपकी उनकी स्थिति बताऊँ कैसी है आज देश आज विश्व में एक सौ इकसठवें नंबर पे है इस देश की मीडिया हमारे भारत की मीडिया पता है आप लोगों को क्यों क्योंकि मीडिया को इस वक्त तो दिखाई रही है अडानी जी के बेटे की शादी तो दिखाएगी है। ना मैं आए कहना सुनिए मैं कहना चाहता हूँ दिखाएगी यूपी में पेपर लीक हुआ है क्या उसको दिखा रही है मीडिया राजस्थान में भी तो हुआ था सर मैं राजस्थान में अगर हुआ है ना तो आप देखिए कार्रवाई हुई है मगर सुनिए यूपी में क्या कार्रवाई हो रही है दिन प्रतिदिन लोग झूल रहे हैं फांसी में झूल रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं कौन है जिम्मेदार बताइए आप मैं पूछना चाहता हूं अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो वादे किए हैं नरेंद्र मोदी जी वादों पे नहीं उतरे आज भारत जोड़ो यात्रा में देखिए राहुल गांधी जी के साथ जनता का कितना समर्थन जन समर्थन मिल रहा है क्यों मिल रहा है आज उम्मीद है जब नरेंद्र मोदी को इस देश ने दो बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ बेच दिया तो आप बताओ देश की जनता किससे उम्मीद रखेगी क्या बेचा है उन्होंने? है? क्या बेचा है? उन्होंने उन्होंने क्या बेचा आपको पता नहीं है क्या बेचा है उन्होंने क्या चीज नहीं बेची क्या बेचा है? मैं कहना चाहता हूँ जिस स्कूल कॉलेज में पढ़कर हो ना हाँ। वो भी उन्होंने बेच दिया है आपको पता शिक्षा कितनी महंगी हो गई आपको पता है एयरपोर्ट क्या क्या चीज नहीं बेची मगर जो देश के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करा कौन है किस का काला धन वापिस आया देश में किसके खाते में पंद्रह लाख आए किस किस स्टेट में किस राज्य में भारत मैं भारत की बात कर रहा हूं उसके बा, उसके बावजूद भी जहां डबल इंजन की सरकार है अगर वहां भी रोजगार दिए तो बताइए दो करोड़ रोजगार का वादा था क्या हुआ बुलेट ट्रेन का वादा था क्या हुआ सौ स्मार्ट तो सिटी का वादा था क्या हुआ तो बनाई था देश को मैं पूछना चाहता आत्मनिर्भर बनाया ये आत्मनिर्भर नहीं आत्मा हत्या कर रहा है आज देश में युवा कर रहा है महिला कर रही है पहले नहीं कर रहे थे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए चौदह नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे थे दो हजार चौदह पहले आप अपने माता पिता से पूछना कि शिक्षा कितनी सस्ती थी लेकिन दो हजार चौदह सुनिए महंगाई कितनी सस्ती मैं बता रहा हूँ आप सुनिए महंगाई कितनी सस्ती थी शिक्षा कितनी सस्ती थी अभी भी फ्री है शिक्षा आप बताइए किसने कहा आपको पता है कितना जीएसटी लगाया हुआ है आप आदमी गरीब तबके का गरीब माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते अगर पेट काट काट के पढ़ाते हैं ना तो उनको ये उम्मीद नहीं होती कि मेरा बेटा नौकरी लग पाएगा क्यों सब सारे रास्ते ही बंद कर दिए सरकार ने आज हो क्या रहा है इस देश में बताइए दिन प्रतिदिन हर जिले के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना दिया है आपको पता है क्या हो रहा है सारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है साढ़े ग्यारह लाख करोड़ से ज़्यादा का माफ कर दिया? बिल्कुल, है? है? कैसे कर दिया साढ़े लाख करोड़ से ज्यादा उनका टैक्स माफ कर दिया है। पता ही और किसान सिर्फ एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, मगर कांग्रेस ने दी है स्वामीनाथन की पूरी गारंटी कोर्ट की गारंटी हर चीज की गारंटी कांग्रेस देने के लिए तैयार है सर स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर मेरा सवाल स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 के बीच में था, तब की सरकार थी, मैं... तो उनको ही करना चाहिए था तो ये मुझे वीडियो दिखा जब ऐसा, ऐसा, मतलब आंदोलन किया हो ऐसे बॉर्डर पे आंदोलन किया मुझे बता दीजिए तो उस वक्त तो मतलब की करना चाहिए था ना क्योंकि रिपोर्ट तो नहीं मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस के कार्यकाल में हर आदमी को आंदोलन का वो था आजादी, आजादी थी ये जंतर मंतर हो रामलीला मैदान हो हर जगह वो किसान क्या हैं हमें दिल्ली में आना दिया जाए हमें रामलीला मैदान में आने दिया जाए क्यों रोक रही सरकार क्योंकि वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं जो जो कि बिल्कुल इलीगल है ये संसद भवन है रेल यहाँ के संसद भवन के अंदर बैलगाड़ी भी इजाजत दी थी किसने दी थी इजाजत पता आपको कांग्रेस पार्टी ने और लेकर कौन आया था पता आपको कौन लेकर आया था के सारे लोग नहीं नहीं, 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 नहीं अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा। आप समझिए मगर कांग्रेस ने विपक्ष को खत्म नहीं करा समझिए आजादी दी हर हर एक को अपनी बात को रखेगी आजादी दी आज देखिए किसान बेचारा बुरी हालत में है पिछली पिछली बार साढ़े सात सौ से ज्यादा किसान शहीद हो गए कौन है आपके ही माता पिता आपके परिवार से कोई तो है सर बीजेपी जो है बार बार ये कह रही है कि तो अब किसान को अपडेट करना चाहती है अन्नदाता से अब उन्हें ऊर्जा दाता बनाना चाहती है तो अच्छी बात है क्या अपडेट करना चाहेगी ऊर्जा दाता बनाना चाह रही है मैं पूछना चाहता हूँ क्या अपडेट बनाएगी कहाँ से वो बीज लेते हैं कहाँ से खाद लेते हैं पता है आपको कितना बुरा हालत होता है पता है किसान जब फसल बोता है ना तो उसे पता नहीं होता कि फसल काटने के समय बारिश ना हो जाए पता है आप लोगों को आप लोगों को पता नहीं है उनकी गारंट उन उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है मगर आज किसान दुख की बात यह है कि आज हमारा किसान सड़कों पर है और किसान और दुख और उससे बड़ी दुख की बात क्या है किसान का बेटा जवान जो है वो आमने सामने है सोचिए ऐसा देश में पहली बार हुआ है इतिहास में पहली बार हुआ है और आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है और ये बार बार राम मंदिर की बात करते हैं माफ़ कीजिए ये वैसे मुद्दा तो नहीं है बोलने का हाँ। मगर ये हमारी आस्था का विषय फिर फिर भी मैं एक बात बोलूँगा आपको पता होना चाहिए 2005 में अक्षरधाम में एक मंदिर बना था याद होगा आपको जनता को भी याद है है ना उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए आप मनमोहन सिंह जी देश के राष्ट्रपति कौन थे अब्दुल कलाम आज़ाद सोचिए एक सिख प्रधानमंत्री और एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति और विपक्ष का नेता एक हिंदू पता है कौन थे अडवाणी फिर भी देश खतरे में नहीं था और फिर भी वोट नहीं मांगे धर्म के नाम से और आज देश आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं अपनी नाकामी छिपा रहे राम मंदिर हमने हमने राम मंदिर बना दिए इन्होंने राम मंदिर बनाया है मैं पूछना चाहता हूँ सुनिए मेरी बात आप पहले इतिहास पढ़िए राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया राम मंदिर में मूर्ति किसने लगवाई है मैं मैं इस देश की जनता को भी कहना चाहता हूँ धर्म में मत लुझना आज इस सरकार के पास कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है